नमस्कार, आप सभी को स्वागत है बीएस महावीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले ये जो हॉस्पिटल की वैकेंसी है, कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी की जो वैकेंसी आ चुका है। ये एक आर्मी का पोस्ट है, ये जो वैकेंसी आ जाएगी 158 करीब की वैकेंसी है। तो ये जो सिस्टम है ऑफलाइन रहने वाला, ये सिस्टम ऑफलाइन जो रहने वाला है, ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नोटिफिकेशन कब शुरू होगा, कब जारी होगा, पूरा डिटेल आपको देने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन वीडियो है, चलिए फॉर्म किस जो आया चुका है, वैकेंसी कितना है, वैकेंसी मैंने बताता हूँ, उस पर क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है, पूरा डिटेल आपको देने वाला है। उसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, एज लिमिट रहने वाला 18 से 27 साल तक। 27 साल जो दे रखे ओनली LDC पद जो उसमें है, LDC के लिए 27 साल है और सब कुछ जो है 18 से 25 साल तक है। ये क्या क्या पोस्ट आ चुका है इसमें बता देते हैं। एक नंबर है बार्बर, चौकीदार, LDC, सफाई वाला, हेल्थ इंस्पेक्टर, कुक और ट्रेडमैन, मेड्स, वार्ड सहायक और वाशरमैन, ये जो पोस्ट आ चुका है ये है। तो उनका एज लिमिट दे रहेगा 18 से 27 साल ओनली LDC के लिए और सब कुछ है 18 से 25 साल। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन रहने वाला बार्बर का जो क्वालिफिकेशन दे रखा है, बार्बर का क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए और 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दे रखा है कि चौकीदार के लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांग रखा है और मैट्रिकुलेशन पास होना कंपलसरी है। LDC के लिए 12th पास होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट स्पीड टाइपिंग और 30 वर्ड हिंदी के लिए। ये सफाई वाला के लिए क्या दे रखा है, 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास और मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। ये हेल्थ इंस्पेक्टर जो वैकेंस है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास देखिए 10th पास होना चाहिए और सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स होता है ये कोर्स की सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये दे रखा है हेल्थ और कुक के लिए 10th पास होना चाहिए और ये दे रखा है 1 साल की जो नॉलेज एक्सपीरियंस दे रखा है और इंडियन कुकिंग की नॉलेज होना चाहिए। सॉरी, उस पर एक्सपीरियंस मांगा नहीं, ओनली कुकिंग की नॉलेज मांग रखा है, इंडियन कुकिंग की नॉलेज आपको आना चाहिए। और ट्रेडमैन जो दे रखा है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए विथ 1 ईयर की एक्सपीरियंस और वार्ड सहायक के लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांग रखा है और आपके पास मैट्रिक पास की होना कंपलसरी चाहिए। और उस पर दे रखा वाशरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन पास होने के साथ जैसे मिलिट्री कपड़े की सफाई आपको अच्छा से धोना चाहिए, ये तो किसी को सिखाना पड़ता नहीं, जैसे अपना कपड़ा जैसे धोते हैं मिलिट्री कपड़ा भी ऐसे धोना पड़ता है। ये जो ऑफलाइन फॉर्म है, ये ऑफलाइन फॉर्म 30 तारीख से शुरू होने वाला है, 14 जून तक लास्ट डेट है। ये जो देर का डेढ़ महीने मतलब 45 दिन के अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये कौन सा अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट भी चल लेगी आपकी, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं आप, ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट दोनों सेम है, और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। और ये देने के साथ ये जो छोटी वाली एक एक दो इन्वॉल्व डालना पड़ता है, एक तो सेल्फ इन्वॉल्व और एक जो जिसमें भेजते हैं, सेल्फ इन्वॉल्व को भेजने के साथ ये इस पर मांग रखा है क्या, पोस्टल ऑर्डर की 100 रुपये की मांग रखा है आपको, जैसे पोस्टल ऑर्डर सेंड करेंगे 100 रुपये की आपको पोस्टल में बाय पोस्ट करना है, ये पोस्टल ऑर्डर करेंगे इंडिया पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पे जो नंबर होता है ये ऑफलाइन फॉर्म जो भरेंगे तो इसमें एक नंबर ही मांगता है, यहाँ पे करेंगे, यही है उसका फी मांग रखा है, 100 रुपये जो फी है ये पोस्टल द्वारा ही फी मांगा जाएगा और उस पर ज़्यादा कुछ दे नहीं। और भी जो इस पर जितने भी दे रखा था आपको पूरे बता दिया डिटेल से, तो आपको दूसरे वीडियो मिल जाएगी ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है क्या क्या करना है। तो कमांडेंट हॉस्पिटल EC अलीपुर कोलकाता 700027, ये है एड्रेस दे रखा है। वीडियो में जो भी डिटेल्स था आपको पूरे बता दिया, वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करिए।